सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क प्राइमलवीय 100X का। और आज का प्रामलवीर 100X का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट ट्रस्ट या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना। सो चलो गाइज आज का। और एक और बात गाइज, हमारा इंस्टा और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना अगर नहीं करा होगा तो, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज अभी आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले पता है, मैं सोच रहा हूँ यार काफ़ी टाइम से ना हम लोग सिलिएस्टियल डिमोनिक इन डायनोस की टेमिंग करे जा रहे, तो क्यों ना आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग एक बॉस फाइट करें। यस गाइज आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई सोच रहा है एक बॉस फाइट करने के बारे में। आपको बताओ होगा टायर 4 बॉस फाइट जो है गाइस वो हम लोग ने कर लिया, अभी आती है टायर 5 वाली बॉस फाइट जिसमें नोवा द डिस्ट्रॉयर, पिकॉन द क्रिएटर और स्काइनेट बॉस शामिल है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से किसी एक बॉस की जो है ना गाइस आज हम लोग यहाँ पे पेटी बना दे। और उसकी पेटी बनाने के लिए ना मेरे को एकदम ओपी सा डायनो ट्राई नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा गीगा की मदद से इसकी बाढ़ बजाऊँ। यार गीगा इसको कच्चा चबा जाएगा, लेकिन पहले मैं इस बॉस को बना लेता हूँ गाइस, ठीक है। अबे यार इसको बनाने के लिए भी और किसी चीज़ की कमी पड़ रही है मुझे यहाँ पे, टायर 5 बॉस समॉन। अबे यार ये लोकेशन क्यों ओपन हो गया अभी, रुक जाओगे जिसको गायब करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। लोकेशन नहीं दिख रहा ना कहीं पे किसी चीज़ का, नहीं ना, ठीक है रुको भाई। इस बॉस को भाई यहाँ पे बनाने के लिए किसी तो चीज़ की कमी पड़ रही है, केओस एंड स्पिरिट ऑर्ब। अरे मजाक कर रहे हो क्या भाई, एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये अंडे जो ना जो यहाँ से डालने, तो मुझे यहाँ पे सिलेस्टियल वाले अंडे डालने पड़ेंगे। अभी संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडे जो है इस डिमोनिक वाले हो यहाँ पे मैं फेंकूंगा इस तरीके से। इसको जो है हमारा कलेक्टर जो है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा, हमको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये जो कलेक्टर लगा हुआ है वो अंडे उठा लेगा। मैं वहाँ पे जो कलेक्टर है उसमें सिलेस्टियल वाले अंडे पड़े जो हमको चाहिए होंगे स्पिरिट ऑर्ब बनाने के लिए, वो मैं लेता हूँ। इसकी मदद से स्पिरिट ऑर्ब बनाते हैं एंड फिर हम लोग आराम से हमारा आगे का जो काम है गाइस वो कर पाएंगे, मतलब हमारे बॉस को बना पाएंगे। वैसे बॉस से गाइस किसको भिड़ाओ, गीगा नहीं तो फिरॉक्स को भिड़ाए क्या, वो ये नहीं भाई सिलेस्टियल फिरॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेस्टियल फिरॉक्स के लेकिन सारे अटैक गाइस ग्लीच है, तो उसको भिड़ा के क्या फ़ायदा, उसका भाई बर्निंग अटैक भी वर्क नहीं कर रहा है। डिमोनिक डायनो से भाई मैं अगर इसको भिड़ाऊँगा ना तो भाई मरा है ये, फिर इसको जो है ना गाइस कोई नहीं बचा पाएगा। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी गंदी मौत मरेगा ना भाई ये बॉस, इसलिए थोड़ा सा भाई डिफिकल्ट बॉस फाइट रखनी है मुझे। पहले तो स्पिरिट ऑर्ब बना लेता हूँ मैं एक एंड अंडे, संडे हुए मंडे रोज खाओ अंडे। अंडे कहाँ पे भाई मेरे नहीं, मतलब वो अर्जेंट है इसके अंडे ये रहे। और स्पिरिट ऑर्ब और सारे किबल जो है गाइस वो भी मैं रिटर्न ले लेता हूँ। यार मेरे एलिमेंटल वाले किबल जो है गाइस वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुके हैं भाई, ऑलमोस्ट खत्म भाई। वैसे भी एलिमेंटल वाला कोई डायनोम टेम नहीं करने वाले, फिर भी मैं एक का डबल इसको कर लेता हूँ। उसके बाद जो ऑर्ब है हमारा इसको हमको एक का डबल कर लेना है, ठीक है। इस ऑर्ब को गाइस हम लोग एक का डबल कर लेते हैं, ये ऑर्ब जैसे एक का डबल हो जाएगा मैं वहाँ पे सिलेस्टियल वाले अंडे जो है गाइस वो एक का डबल करने के लिए डाल दूंगा। कलेक्टर के अंदर सिलेस्टियल अंडे जमा हुए कि नहीं वो मुझे एक बार चेक करने दो। हाँ डिमोनिक अंडे तो जमा हो चुके हैं गाइस सारे के सारे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारे डिमोनिक अंडे जो है गाइस वो वहाँ पे जमा हो चुके हैं। अभी फटाफट से क्योस और अभी यहाँ पे बनने में कितना टाइम लगेगा, ओ बन गए। अभी यहाँ पे सिलेस्टियल अंडे डाल देता हूँ, ठीक है। सिलेस्टियल अंडे एक का डबल गाइस यहाँ पे होते रहेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे बॉस को क्राफ्ट करने वाले, उसके लिए मुझे बस यहाँ पे डालना है ऑर्ब क्योस एंड स्पिरिट वाला जो अभी अभी मैंने एक का डबल करा है। बॉस टायर 5 ये रहा गाइस हमारा नोवा द डिस्ट्रॉयर बॉस। ये बॉस जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा गाइस खतरनाक हो सकता है, इसका डैमेज इतना ज़्यादा जाता है कि बैंड बच सकती है। बट मेरे पास भी ऐसे ऐसे डायनोस है जो इसको डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड कर दे, बट मैं थोड़ा बैटल को इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक बनाना चाहता हूँ। वाह मुझे लगा मैं पानी में तैरूंगा इसलिए मैं पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ मैं यार। वाह भाई वाह भाई, इस ग्लिच के रीज़न से मैं पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, ठीक है भाई ये कर लो। FMK वाले थोड़े पोशन बनाने पड़ेंगे अभी फ़िलहाल के लिए गाइस, FM के पोशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी खतरनाक बॉस फाइट है। सो
पूछ रहा हूँ गीगा को लेके चलू क्या? क्या बोलते हो भाई, गीगा को लेके चलू क्या? मैं इस बॉस का भी एक का डबल कर लूँ क्या? फ्यूचर में काम आएंगे अगर कोई डायनो वगैरह टेस्टिंग करनी है हमको, तो इस बॉस को कहीं सामने खड़ा कर देंगे और इससे फाइट कराएंगे, डायनो की टेस्टिंग हो जाएगी कहीं हमारी। रुक जाओ, मैं अंडे निकालू यहाँ से, इस बॉस को भी एक का डबल कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास ओरिजिन वाले बॉस है वैसे गाइस ये वाला बॉस भी रहेगा, ठीक है? टर्न ऑन, रुक जाओगे, जिसको एक का डबल होने तो फिर मैं अंडों को वापस डालता हूँ, फिर चलता है नोवा द डिस्ट्रॉयर की बैंड बजाने के लिए। एंड उसके लिए पहले तो मैं गीगा का इस्तेमाल करूँगा। गीगा ने अगर इसको भाई बहुत ज़्यादा आसानी से मार दिया ना, मॉनिक भी इसकी बैंड बजा देगा यार, लेकिन वो प्रॉब्लम है, मैं किसको बिड़ाऊँगा इससे? सिलेस्टियल वाला ऐसा कोई डायनो नहीं है जिसका बर्निंग अटैक वर्क कर रहा हो। ग्रिफिन का, आर्जेंट डेविस का, इसका बम वाला, रेक्स का शायद से बर्निंग अटैक वर्क कर रहा है, तो रेक्स को मे भी ट्राई कर सकते हैं। पहले तो कैसे हम लोग गीगा को लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे हमारा गीगा यहाँ पे क्या कर पाता है। फाइट कहाँ पे करनी है वैसे हम लोग को? ग्रीन ऑब्लिक पे फाइट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भाई ओपन एरिया है, प्लेन एरिया है, सो वहाँ पे फाइट करते हैं। देखते हैं कैसे कि वहाँ पे सीन क्या होता है, ठीक है? इसको थोड़ा घुमा के लेके चलते हैं आराम से। अब एटोरी जल्दी आ से एटो, चलो मैं अभी यहाँ पे फटाफट से स्पॉन कर लेता हूँ अपने इस नोवा द डिस्ट्रॉयर को, ठीक है? नोवा द डिस्ट्रॉयर को मैं स्पॉन कर रहा हूँ और गीगा से इसकी बैंड बजाएंगे। हेल्थ कितनी होगी मुझे पता नहीं है गाइस, ठीक है? इसकी हेल्थ कितनी होगी पता नहीं, लेकिन अपना गीगा जो है वो इसको मारने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। बाकी ये मार पाता है कि नहीं वो तो गाइस अभी देख रहा है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलो मैं इसको स्पॉन कर रहा हूँ, आप लोग तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? 1 2 3 8.4 बिलियन आपे चल रहे क्या है ये बॉस है? ये बॉस है आपे हवान दे बेटा, आपे हटो निकलो, ये बॉस है भाई। 8 बिलियन हेल्थ, वैसे इसके पास खुद का आर्मर प्रोटेक्शन होता है बहुत तगड़ा वाला, बट प्रॉब्लम ये कि हमारा गीगा जो है गाइस वो करप्टेड वेरिएंट है और वो मैक्सिमम आर्मर तोड़ के डायरेक्टली डैमेज देता है। सो ये नोवा द डिस्ट्रॉयर का आर्मर भाई गीगा ओवर पावर्ड है गाइस, गीगा के सामने टिक नहीं पाया आर्मर। भाई मैं गीगा को घर पे लेके चलता हूँ आराम से, किसी और डायनो से बॉस फाइट करेंगे भाई, ठीक है? थोड़ी लगनी चाहिए कि हाँ भाई बॉस फाइट हो रही है, ऐसा नहीं कि भाई बॉस कोई अटैक करे उससे पहले भाई बॉस की बैंड बजा दी। गीगा ने भी उसको मौका ही नहीं दिया, वो चिल्ला के अपने मिनियन स्पॉन करता ना तब तक तो उसकी पेटी भी बन गई थी, उसके मरने के बाद उसके मिनियन स्पॉन हुए, बताया गया सबको। मरने के बाद क्या फायदा बताओ, मरने के बाद मिनियन आके मेरे रेक्स को लेके जाओ क्या? रेक्स का पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि अटैक जो है ना वो ठीक से वर्क कर रहा है कि। अबे यार रुको भाई, ये डिमोनिक इवोल्यूशन सोल मिल गई है मेरे को भाई। डायनोस का इवोल्यूशन हम लोग बाद में फ्यूचर में भाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अभी नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम डायनो की इवोल्यूशन पे लग गए ना तो काफ़ी सारे डायनोस जिनको टेम करना है हम लोग भूल जाएंगे, इसलिए उनका इवोल्यूशन करेंगे आराम से। मैं गीगा को यहाँ पे निकाल लूँ, मुझे बस ये चेक करना है कि रेक्स का बर्निंग अटैक वर्क कर रहा है क्या। अगर इस सिलेस्टियल रेक्स का बर्निंग अटैक वर्क कर रहा है तो इसी को लेके चलेंगे हम लोग, ओके? लेकिन ये हमारी शाइनोन को ज़मीन पर गिरा देगा। रुको पहले तो मैं देख लूँ इसका अटैक वर्क कर रहा है क्या। पता चला इसका अटैक ही नहीं वर्क कर रहा तो क्या फायदा, कर रहा है वर्क? डायनो मर रहे इसके अटैक से, मर तो रहे हैं गाइस, मर तो रहे। मैं शाइनोन को क्राइव कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी शाइनोन जो है मारी जाए यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको क्राइव कर लिया है। अभी फटाफट से रेक्स को लेके वापस से हम लोग चलते ग्रीन ऑब्लिक पे और अभी हो गया असली फाइट, क्योंकि गीगा जो है ना गाइस सच में भाई ओवर पावर्ड है यार, बहुत गंदी मौत मारा भाई उसने, मतलब उसको भाई ठीक से स्पॉन होने का भी मौका नहीं दिया है भाई। गीगा को हम लोग ना एंड गेम वाले फाइट में उतारेंगे, तब तक गीगा से जो है ना गाइस हम लोग को थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है, ठीक है? थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। अभी मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, इसकी पावर अप कर लूँ पहले तो, ओके? अभी मैं बुला रहा हूँ गाइस उस बॉस को, नोवा द डिस्ट्रॉयर को। अरे आज बेटा 8 बिलियन हेल्थ है तेरी, तुम तो बर्निंग अटैक से उड़ा दो, क्या हो गया टैपल्स लिए क्या? हाँ भाई, अबे यार रेक्स भी मारती इसको, मारा नहीं लेकिन मरने वाला ही है, इसके दिन भर गए भाई, भर गए तेरे दिन, भर गए भाई रेक्स। अरे बाबा
तो बावड़ा हो गया है। अरे भाई जल्दी रेक्स कम ऑन, अबे पागल रेक्स अटैक कर अपना, करा करा भाई, उड़ाए जा रहा है फुटबॉल की तरह भाई। मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या भाई, यहाँ से वहां से हर जगह से बजाया जा रहा है मेरे को। इसकी तो मरने में जमाई है। एक अटैक था, अरे मेरा एक अटैक खा लो भाई, मेरा बर्निंग अटैक तो खाने हो यहाँ पे भाई, मुझे कुछ के ऊपर अटैक डालना पड़ेगा। आओ आओ आ गए, आ मेरा अटैक है, मेरा नहीं लगा अटैक उसको, मरने में जमाए भाई रेक्स। कम ऑन, अपने अपने ऊपर अटैक करना है मुझे। मरा ये, मरा 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 मरा, इज डेड इज डेड आई थिंक, यस और नो आ जाएगा। मरा मरा मरा, मेरा अटैक से आ रहा है ना, लेट्स गो बॉयज। कुछ ज्यादा ही घमासान लड़ाई हो रही थी भाई, भाई यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भाई, भाई ले उड़ाए जा रहा, उड़ाए जा रहा, उड़ाए जा रहा भाई ये बॉस, क्या खतरनाक बॉस था भाई। लेकिन गीगा ने इसकी बहुत गद्दी वाले बैठ बजाए रे भाई, गीगा ने इसको जो मारा है ना भाई, देख के दिल खुश हो गया भाई। गीगा ने इसकी असली बैंड बजाई, सोल तो मिल गया ना इसको मारने से, वो जो हाँ इवोल्यूशन सोल मिल जाएगी, रॉकेट्स किसी काम के नहीं, मैं फेंक देता हूँ ठीक है। मुझे इसका अंडा पड़ा हुआ होगा, रुको गाइस तो इसमें मुझे इसका अंडा ढूंढना पड़ेगा, संडे व मंडे रोज खाओ अंडे, इसका अंडा कहीं तो पड़ा हुआ होगा। उस अंडे में से जो ना गाइस हमारा प्यारा सा चुटकू नोवा द डिस्ट्रॉयर निकलेगा, इसका अंडा। बैटल तो इसी वाले एरिया में हुई थी, अंडा भी यही होना चाहिए, अंडा दिख नहीं रहा, वो कहाँ कहाँ से गया था भाई ये, पहले यहाँ से गया, यहाँ से ये झाड़े में से गया ना, ये झाड़े में कहीं पे गिरा है क्या, वो रहा क्या ना, ये तो इसका वो है। अबे इसका अंडा कहाँ पे है, इसका अंडा चाहिए गाइस मेरे को, बट उसका अंडा जो है मुझे मिल ही नहीं रहा। कहाँ कहाँ फाइट हो रही थी वो मैं ठीक से देख भी नहीं पाया एक्चुअली मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई अंधेरा था, अंधेरा नहीं था, इफेक्ट वगैरह पड़ रहे थे मुझे इतने सारे कि ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इसके 10% का हेल्थ कहाँ पे मैं लेके आया, इसका अंडा वहीं पे पड़ा हुआ होगा उसकी, मैं इसी वाले एरिया में शायद से भाई नहीं, यहाँ पे मैंने 50% इसकी हेल्थ लाई थी, उसके बाद यहाँ से दौड़ दौड़ के गया तब उसकी भाई 10% तक हेल्थ आई होगी, बट अंडा नहीं मिल रहा मुझे भाई। दो दो नोवा डिस्ट्रॉयर मिल जाते हैं और अंडे को एक का डबल नहीं कर सकते, वरना लेवल वन का भाई मेरे को बच्चा मिल जाएगा इसका, जहाँ पे डेड बॉडी वही तो नहीं है अंडा ना, यहाँ पे भी नहीं है भाई, कहीं पे भी इसका अंडा दिखाई नहीं दे रहा है, झाड़ी भीड़ में गिरा होगा तो पता नहीं यार, झाड़ी वगैरह में गिरा होगा तो कुछ बोल नहीं सकते नहीं है गाइस, छोड़ो छोड़ो चलते भाई, एक अंडा मिल गया भाई उसी में हम लोग खुश रहेंगे चुपचाप से। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, घर पे चलते हैं आराम से गाइस, घर पे चलते हैं, घर पे चल के पहले मुझे हैचरी बनानी है, पहले तो मेरे पास जो सोल्स है उनको मैं एक का डबल कर लूँ। रेक्स को मैंने क्रायो कर लिया, रेक्स के पास क्या सामान है वैसे, ज़्यादा कुछ खास सामान नहीं, फालतू का ही सामान है ठीक है। रुको भाई इतना ज़्यादा स्लो मोशन, अच्छा रेक्स भाई हमको इफेक्ट देता है ना, मैं भूल गया था, सिलेस्टल वाले अंडे यहाँ से निकाल लूँ, इन सोल्स को एक का डबल करेंगे, उसके बाद हैचरी बनानी है मुझे एक ठीक है। हैचरी बनाने से पहले ये जो अंडा है ना इसको यहाँ डाल दूँगा ठीक है, वरना ये अंडे का इस्तेमाल करके ना ये हैचरी बना लेगा इसलिए भाई ठीक है। हैचरी बन चुकी है, हैचरी बन चुकी है भाई, ये सोल एक का डबल पता नहीं कब होगी, इसको होने दो। हैचरी को लगाने के लिए अभी हमको चाहिए जगह, इसके ऊपर बेस पे जगह ही नहीं है तो यहाँ पे कौन से कोने में लगाऊँ मैं, अभी कहाँ लगाऊँ हैचरी, यहाँ पे लगा देता हूँ, और कोई जगह ही नहीं है तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी इसके कोने में सामने ठीक है, यहाँ पे लगानी नहीं यार, यहाँ से तो हमारे डायनोस कैसे जाएंगे फिर, इसको पिकअप करता हूँ मैं,
सोल हो चुके हैं ना एक डबल, ठीक है इसको ले लें दो भाई। 40 हो चुके भाई, इतनी भी नहीं करनी थी। अंडे डाल दो भाई थोड़े, ये सारे अंडे यहाँ पे डाल दो। इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ एंड पारा सुअर थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई अभी थोड़ा। वहाँ पे मैं हैचरी लगा रहा हूँ तो पैरा सुअर को थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। पैरा सुअर इधर एडजस्ट करेगा, हमारे हैचरी जो है इस वही कोने में लग जाएगी। इजी पीजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी यहाँ पे अंडा फेंकेंगे मैसा और इसको करेंगे इसे एक्टिवेट, तो अंडा सीधा इसके अंदर जाएगा और हैच होना शुरू हो जाएगा। मतलब बॉस का अंडा जो है वो हो रहा है अभी यहाँ पे हैच आने वाले एपिसोड में। अबे हम लोग जो है किसी अंडे से, ये मेरे इन्वेंटरी में कितना टाइम भाई, 1.5 घंटा भाई खाली। इसको फ्रिज में रखने दो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोल है भाई। रुक जाओ गाइस, पहले तो ब्लड भाई, ब्लड ज़्यादा नहीं है मेरे पास रेसिपी, सोल डाल देता हूँ इसके अंदर। ये यहाँ पे कितना घंटे रहेगी, 7 दिन तक रहेगी, अच्छी बात है। चलो सो सोल वगैरह के संभाल के हम लोग ने डाल दिए। मेरे शाइनन को मैं वापस से निकाल दूँ क्योंकि बॉस के हम लोग ने बैंड बजा दिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी शाइनन को कोई और खतरा है। अरे डिमोनिक नहीं यार, मेरी चुटकू शाइनन, हाँ ये रे अल्फा शेड, इसको भी कंधे पे लेके हम लोग आराम से घूम सकते हैं। सो गाइस, बॉस को हम लोग को मारना था। गीगा ने तो भाई बॉस की इज्जत निकाल दी यार, मतलब ऐसा गंदा मारा है ना बॉस को, इतना गंदा मारा है कि क्या बताओ मैं आपको। बाकी आपको जो है गाइस कैसे लगा यहाँ पे हमारे आज की जो बॉस फाइट है नोवा द डिस्ट्रॉयर वाली, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज की बॉस फाइट नोवा द डिस्ट्रॉयर वाली अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाकी तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्रामुल 400X के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk